दे पाठ धीधार दात्य अंतर के खालसा जी साहब बोलो जी पंजा प्यारियां जहां साहबजादियां चाली मुकतियां फटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंश क्या देव चलाई ते गवाही देख के अंडित कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहब गुरु जी तीन माणियां दे माण गुरु नेताणियां दे ताण गुरु लोटियां दी लोट गुरु वाहेगुरु आप जी दे चरणा कमला विच रुखता दी सेवा साडी परिवार दे परिवारिक मैंबर बाबा राम जग जी ओ अपने स्वास्थां दी पूंजी नूं पूरे करदे होए आप जी दे चरणा विच आन बराजदे हन उन्हां दी आत्मा नूं शांति बख्शी अते परिवार नूं पहाड़ां मारन दा बल बख्शना उन्हां दे अंतम संस्कार होने जा रहे हन महाराज सारी संगत ते कृपा करनी सरबत दा भला करना प्लीज प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम कीते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बापू राम जग जी अज एक हड ते मास दा एक पुतला बन के रह गए प्राण आ जिहड़े ओह पखेरू हो गए। बापू राम जग जी 23/9/2020 नूं साडे सुपनिआं दे घर दा हिस्सा बणे। बापू जी दी 23/8/2022 नूं मौत हो गई अकाल चलाना करके। बापू जी कुल समा बापू ने एक साल एक 11 महीने एक साल 11 महीने दा समा बापू ने साडे कोले साडे सुपनिआं दे घर च बतीत कीता। ये करीब 2 साल का जिहड़ा वक्त सीगा बापू राम जग जी नाल जिहड़ी साडी सांझ सीगी सच्चे पातशाह वाहिगुरू ने पाई हुई उहदी बदौलत असीं पूरा कर सके। किथे बापू राम जग जी का जन्म होया बिहार दे पटना शहर दे कोई नेड़े उत्थों का कोई पिंड सी इन्हां दा। सारी उम्र बापू जी ने जवानी तो लुधियाने वर्गे शहर दे विच आके रिक्शा चलाया 35-40 साल करीब लुधियाने शहर च रहा। बापू रिक्शा चला के जिन्ने पैसे कमाउंदा बापू अपने परिवार नूं पिछे भेज दिंदा। बच्चे सी बापू दे उत्थे इन्हां दा इक साथी सी उहने सानूं दसी सी बापू दी सारी स्टोरी। अज तो करीब 11-12 साल पहलां बापू जी दियां अखां दी रोशनी घटदी घटदी घट गई दिखणों हट गया। बापू जी का कोई साथी वापस इन्हां नूं पिंड लै गया। पिंड ला के बापू जदों गए पिंड उत्थे इन्हां दे बच्चियां ने इन्हां नाल कोई चंगा वतीरा नहीं कीता। इन्हां दे बेटियां ही सीगियां जवाई भाई सी जिहड़े उन्हां ने संभालण दी जहमत नहीं उठाई। अखीर उत्थों रुलदा खुलदा बापू फिर लुधियाने आ गया। इहनूं आस सी वी चल उत्थे जा के मैनूं घट्टो घट्ट रोटी तां मिलू इत्थे तां मैं रोटी लई वी औखा। लुधियाने आ के बापू ने मॉडल टाउन एरिए च जिथे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाम से हॉस्पिटल बनया होया उहदे बिल्कुल सामने गुरु घर बनया मॉडल टाउन का उहदे कोले बापू जिथे पहला रिक्शा लैके खड़दे सी मॉडल टाउन मार्केट च उत्थे ही आके रहण लग गए। पिंड जाण तो पहला उह वीर दसदा सी वी रिक्शा इह अपना उत्थे खंभे नाल संगली नाल बन गया सी। अगे वी इह जदों पिंड जांदा सी उत्थे संगली नाल बन जांदा सी रिक्शे नूं दोबारा आके फिर खोल के चला लैंदा सी। ते ओह रिक्शे ते आके बापू ने अपना समा बतीत करना शुरू किया। बड़ी लोगों की मदद मंगी भी कोई अखां दा इलाज करा दो जां कुछ पर कौन आ कोई नहीं किसी का बेली दुनिया मतलब दी। इत्थे हालात बद तो बदतर होंदे गए समा बीतदा गया 8-9 साल बापू उस एरिए मंगते बन के रह गए। अखां तो अन्ने इदा मूँह तानू बापू जी का बस ए हाथे दा एक बापू दा बढ़िया होया उंगलां ते वो किसी ने 5 किसी ने 10 दे देने दवाई लै लेनी कुछ माड़ी मोटी कुछ रोटी पानी खा लेना।
समा बीतता गया जदों गुरु साहब ने साडे कर्मां दे विच साडी झोली च बापू जी की 220 दे विच सेवा लाई उदों लॉकडाउन का समा सीगा मार्च दे विच लॉकडाउन हो गया सी 220 च बीमारी पूरी फैली हुई सी ते 9वें महीने तक बीमारी होर पूरे जोरां ते सी ते सानूं काफ़ी वीरां ने वीडियो भेजियां पहलां तां बापू उत्थे लोग सीगे कोई पैसा दे दिंदा सी रोटी पानी खा लैंदे सी ते उह समा लॉकडाउन दा इदां दा सीगा पुत्तां ने मावां नूं नहीं पछाणिया लाशां नूं हथ नहीं लाया उस टाइम इन्हां नूं बेचारियां नूं किन्हां ने पुछणा सी उस समय च सानूं बहुत सारे इदां दे परिवार दे मैंबर मिले जिहड़े वध तों वध हालातां च हो गए सी उस हालात च असीं फिर बापू जी नूं उत्थों जदों गए लैण बापू जी दा टॉयलेट बाथरूम विच ही हो रहा सी हड्डियां दा इक पिंजर बनिया होया बापू राम जग उत्थे टुट्टिया जिहा इक मंजा सी टॉयलेट दे ढेर लगे पए सी कोई दुकाना सी मार्केट बंद पई सी उहदे मूहरे बरांडा जिहा बनिया सी उत्थों बापू जी नूं लै के आए सी बापू जी रो रो के दस रहे सी वी मेरा जिहड़ा रिक्शा सीगा वी उह वी मेरा कोई चोरी करके लै गया चलो वाहिगुरू ने साडी ड्यूटी जिन्नी कु बख्शी सी सानू सच्चे पातशाह ने असीं अपने वल्लों पूरी तनदेही नाल निभाउण दा यतन कीता बापू जी नूं हॉस्पिटल दाखिल कराया खून बहुत घट सी बापू च उस टाइम वीकनेस बहुत ज़्यादा सी 8-9 बोतलां ब्लड दियां चढ़ियां ठीक हो गए तुरन फिरन लग गए फिर अखां दा ऑपरेशन करवाया चैकअप कराया डॉक्टरां ने दस्सिया भी अखां दी रोशनी आ सकदी आ फिर इन्हां दी एक अख दा ऑपरेट कराया जिहदे नाल इन्हां नूं थोड़ा थोड़ा दिखण लग गया इनकां लग गईआं पर इन्हां दा आदत सी जिहड़ी पिछले 9 सालां तों 8 सालों तो बनी हुई जिहड़ा इदां तां नूं मूँह करके तुरन दी उह इन्हां दी जांदी नहीं सी दिखण दे बावजूद भी इह मूँह तां नूं करके तुरदे सी पर फिर भी खूंडी दे नाल हौली हौली असीं समझा के इन्हां दा मूँह थले नूं कराउणा बापू थले नूं देख के चलिया कर आदत सी जिहड़ी बापू दे इदां हथ मूहरे करन दी उह हमेशा ऐं बनी रही अपना वधिया जीवन बतीत कीता बापू ने करीब 1.25 साल तुरदे फिरदे रहे अपने आप नूं किरिया सोधन जोगे संभालण जोगे हो गए सी बापू जी पर जदों समा आ जांदा फिर उह बहाना बनता कोई इस तरह का तो वह एक मिनट एक सैकेंड भी सानू उस तो अगे उपर ते नीचे मिलता नहीं फिर तो असी पिछले करीब 3 महीनों तो बापू जी नू बहुत सेहत वलियों बापू जी के हालात माड़े हो गए सी ब्रेन हैमरेज हो गया बापू जी नू अटैक आया बापू जी नू ब्रेन का असी होस्पिटल लै गए दीपक होस्पिटल के डॉक्टर ने दस्या भी इन्हों का ब्रेन आ जिहड़ा वो अंदरों बिल्कुल खत्म हो गया डेड हो गया जिहदे करके इन्हां दा पूरा शरीर थले वाला पैरालाइज हो गया सी आ बांह सी जिहड़ी इह मुड़ के इत्थे गल ते चली गई सी इत्थे बड़ी बांह सिद्धी करन दी कोशिश करना जतन करना पर उह दिनों दिन इत्थे बांह गल च ही बढ़दी जा रही सी पूरा शरीर काम करनों हट गया करीब 2.5 महीने बापू जी होस्पिटल च रहे जिहदे विचों 2 महीने बापू जी ICU दे विच बैड दे उपर रहे जिथे वो पेशेंट पैंदे ने जिहड़े बहुत ज़्यादा सीरीयस हुंदे ने फिर उत्थों परमात्मा ने मेहर कीती सच्चे पातशाह ने उस हालात चों भी बापू बाहर निकल के आ गया वेंटीलेटर चों भी बापू नूं करीब 12-13 दिन रखना पिया उत्थों ठीक हो के बापू वापस आ गए घर पर डॉक्टरां ने सानूं इह गल दस्सती सीगी भी हुण इहनां दी सेवा ही आ जिहड़ी आपां कर सकदे आ फिर करीब 1.5-2 महीने बापू जी इत्थे साडे कोले सुपनियां दे घर च रहे हर रोज़ बापू जी के नक् के पाइप लगी सी उहदे थ्रू ही पाइप के थ्रू ही इन्हों सरिंजां दे नाल खाना दिता जाता सी स्पंजिंग की जाती सी डायपर बदलिया जाना यानी कि साडे वलंटियर वीर ने सारे ने बड़ी अपनी तनदेही दे नाल बापू जी की सेवा निभाई अज तो करीब 4 दिन पहला बापू राम जग जी जदों असी 23-8 की गल आ सवेरों साफ सफाइया कर लगे होस्पिटल के बच्चे साढ़े जोड़े वलंटीयर से उन्होंने बापू जी को जाके जो इन्हों फीड कर लगे ज इन्हों का BP शुगर चैक कर लगे तो बापू जी की बह इतें इदा ही सी तो प्राण जोड़े पखेरू हो गए गर्म सी शरीर जतन किया कोशिश की पर जो थानू पता बुलावा आ जाता फिर वापसी का कोई राह नहीं रहा
फिर फटाफट एम्बूलेंस पाया, हॉस्पिटल लैके गए। उत्थे जाके फिर डॉक्टर ने भी उही गल जिहड़ी डिकलेयर कीती वी बापू जी डैथ हो चुकी है। फिर तीन दिन असी बापू जी नूं मोर्चरी दे विच रखिया, पोस्ट पाई फेसबुक ते, स्नेहा लाया, जिथे कि सानू उम्मीद हुंदी आ वी कोई जिहड़ा इस तरह का अननोन पेशेंट आ जिहदा कोई पता ही नहीं गा, कोई परिवार का मैंबर भी नहीं पिछे आ रहा, क्योंकि बापू जी ने अपने बारे कुछ नहीं दस्या सी। बापू जी के दोस्त ने बापू के बारे दस्या सी वी पटना साहब के लागे कोई पिंड आ, बापू जी कोई ज़्यादा दस नहीं सी सक पा रहे जां दसना नहीं सी चाहुंदे। तां फिर अज असीं बापू जी का अंतम संस्कार साडे पिंड सुपनिया के घर हसनपुर के विच करन जा रहे हैं। जिवें अगे भी अक्सर असीं जिक्र करदे हां, सुपनिया के घर विच हमेशा सुख ते दुख इकट्ठिया सफ़र करते ने। अज साडे बापू गोपाल जी का जन्मदिन भी आ, असीं केक कट रहे हैं, पहले कट के हटे केक, एक होर कट्टना, अज प्रसाद का गुरु का लंगर भी नाल, साडे टीम के मैंबर अश्विनी बाई जी उन्हां दी मैरिज एनिवर्सरी भी सी। ते नाल दी नाल एक पासे असीं खुशी की गल करते हैं, दूसरे पासे साडे वास्ते अज बापू जी दे इत्थों जाना ठीक है। कितना कितने जो परिवार का कोई मैंबर जाता दुख हों, पर एक सुकून भी आ भी इन्हां साडे परिवारक मैंबर दीआं जिहड़ियां दुख ते तकलीफां दे विच्चों जिहड़ी गुरु साहब ने निजात बख्शी आ, जिहड़ा इन्हां दा समा उत्थे उस तरह बतीत हो रहा सी नरक वर्गे हालातां च, उहदे नाल चंगा उस अल्लाह उस राम उस वाहिगुरू उस भगवान ने इन्हां नूं अपने चरणां दे विच जगह दित्ती है। अरदास करिओ बापू राम जग जिहदी आत्मा नूं वाहिगुरू शांति बख्शण, इन्हां नूं अपने चरणां च निवास बख्शण। इन्हां दा अंतम संस्कार अज इत्थे भोग, उस तो बाद अलाणिया का पाठ होगा, कल पाठ प्रकाश कराए जाएंगे सहज पाठ दे, ते फिर 30 तरीक के आस पास 30 तरीक नूं जां 29 तरीक का दस दिन ते भोग जिहड़ा बनदी हुंदी डेट भोग पाया जाऊगा। तो जे कोई भैन भरा अंतम अरदास शामिल होना चाहुंदा तो वह भी साडे नाल जरूर संपर्क करो। तो हुण असीं बापू राम जग जी नूं लैके जा रहे हैं। आ बापू जी दीआं उस टाइम दीआं तस्वीरां देखो, किद्दां थल्ले सारा मल मूत्र ही ढेर लगे पए सी, बापू दे कपड़े किन्ने गंदे सी, अखां तों अन्ना होण करके टॉयलेट नाल लिबड़िया होया बापू, जिहड़ियां चप्पलां सीगियां उह वी इन्ने जोर दे नाल फड़ी फिरदा सी वी कोई चप्पलां वी चोरी ना कर लैके लै जावे। बापू कहिंदा बहुत वेरी मेरियां चप्पलां लोक चक के लै जांदे। आ बापू राम जग जी दीआं उस समें दीआं ये तस्वीर ने जिस टाइम बापू जी ने उतों लैके आए सी। उस तो बाद उही बापू जी साढ़े देखो किदा एनक लगिया हुई चेहरे ते रौनक, किन्ने खुश किन्ने तंदुरुस्त हो गए सी। इस तस्वीर ते इस तस्वीर दे विच अंतर तुसी देख सकते हो। बस ये सच्चे पातशाह वाहिगुरु जानदा भी बापू जी ने कित्थे अपना जन्म लिया, कित्थे बचपन गुजारिया, कित्थे जवानी दा पैर, कित्थे बुढ़ापा, अखीर साडे सुपनियां दे घर विच आ के अपने सफर की समाप्ति की आ। अपने बोले सोनिहा सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी।
Thank you.
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੋ ਬਦਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਕਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਖਨ ਪਤਨੀ ਜੀ ਸਿੱਧੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਤੇਰੋਂ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਿਆਮ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ ਪਤਨੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਦੇ ਹੋਊਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ਜਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਭੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਾ ਇਹ ਕਦੇ ਆਵੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਭੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਜਾਲੂ ਬਾਪੂ ਰਾਮ ਜਗ ਲਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਿਚਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਰਤੋ ਤਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਾਕਾ
ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਰਾਮ ਜਗ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹਸਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ, 62 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਿੱਕਰ 325 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਸਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬਾਪੂ ਰਾਮ ਜਗ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਅਤੇ 2 ਸਪਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ 350 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟਾਰ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।